हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि म्योनिर उठाने वाले को क्या क्या पावर मिलती है। जिसमें से सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि भले ही ओडिन ने कहा हो कि जो भी इस हैमर को उठाएगा उसको थॉर के पावर्स मिल जाएंगे, बट बहुत सारे ऐसे पावर्स भी हैं जो कि म्योनिर के वजह से थॉर के पास है। सो अगर आप इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बॉस, जो भी म्योनिर उठाएगा उसको गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर के बेसिक पावर्स तो मिल जाएंगे, साथ में थॉर का टाइटल भी मिलेगा जैसे कि माइटी थॉर या वॉर थॉर। कुछ एक्सेप्शन भी हैं जैसे कि कैप्टन अमेरिका और सिल्वर सर्फर, जिनको थॉर का टाइटल नहीं मिला, बस पावर्स ही मिले हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले पावर की, जो कि म्योनिर उठाने से मिलती है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि सिंपल भाषा में कहूँ तो कपड़े बदलने की ताकत। ये बात अभी भी अननोन है कि जादुई क्लोजेट में कितने टाइप एंड कितने तरह के कपड़े हैं, बट इतना तो तय है कि वहाँ वैरायटी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि थॉर को जब बर्फीला इलाके में जाना था तो उसको फर वाला कॉस्ट्यूम मिल जाता है, और जब वो जंग के लिए जा रहा था तब उसे गोल्डन आर्मर मिल जाता है विद हेलमेट। ये पावर को सबसे पहले हम लोगों ने थॉर 1 में देखा था, जब वो मरने की कगार में था और उसके पास से जब वो उठ खड़ा होता है तो उसके बाद से उसे थॉर का आर्मर मिल जाता है। इसके बाद हमें थॉर रैग्नारोक के इस सीन में भी वो नए सूट को समन करते हुए दिखता है, प्लस न्यूयॉर्क बैटल जाने से पहले वो अपने बाहों को भी जादुई आर्मर से कवर करता है। थॉर लव एंड थंडर के अंदर जीन जब म्योनिर उठाएगी तो उसको भी अपने आप एक आर्मर मिल जाएगा, जिसके बाद मुझे मालूम है कि आप में से कोई लोग पूछेंगे कि कैप्टन का सूट क्यों नहीं आया था एंड गेम के अंदर, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। तो अगर आप सही में इंटरेस्टेड हैं तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। मेरे ख्याल से अगर कैप्टन ने सूट को समन कर लिया होता तो शायद तक उनको चोट उतना नहीं लगता जितना कि हमें मूवी के अंदर दिखाया गया था। एज ये आर्मर प्रोटेक्शन तो देता ही है, साथ ही साथ थॉर की सुपर स्ट्रेंथ भी देता है, जिससे थानोस को रोकने में कैप्टन को थोड़ी तो आसानी यहाँ पर होती। बट कोई नहीं, कैप्टन ना सही, जेन तो थॉर की स्ट्रेंथ का भरपूर फायदा उठाएगी, जो कि आप थॉर लव एंड थंडर के अंदर देखेंगे ही, क्योंकि कॉमिक्स में जेन माइटी थॉर बनते ही ओडिन, ग्लैडिएटर, डिस्ट्रॉयर और मैनगॉक जैसे कैरेक्टर से भिड़ चुकी है, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि किस लेवल की सुपर स्ट्रेंथ मिलती है म्योनिर उठाने वाले को, जो कि गॉड तक ना हो। अब सुपर स्ट्रेंथ मिला है तो ड्यूरेबिलिटी भी तो मिली होगी, तभी तो वो ग्लैडिएटर, ओडिन, डिस्ट्रॉयर और मैनगॉक जैसे कैरेक्टर से भिड़ कर जिंदा बच गई। जहाँ पर मुझे मालूम है कि आप में से ज्यादातर लोग ओडिन और डिस्ट्रॉयर के बारे में तो जानते होंगे एज वो मूवीज में दिख चुके हैं, बट ग्लैडिएटर और मैनगॉक के बारे में नहीं जानते हैं। तो उनके लिए मैं इतना कहूंगा कि आप ग्लैडिएटर को मार्वल का एक सुपरमैन का वर्जन समझ लीजिए, वहीं मैनगॉक को मार्वल का डूम्सडे कहा जाता है कॉमिक्स के अंदर, जिन लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि एक एक पंच में पूरे सिटी को वो लोग उड़ा सकते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा ही लीजिए कि यहाँ पर माइटी थॉर कितनी पावरफुल हो गई थी म्योनिर उठाने के बाद से। अब बात करते हैं अगले पावर की, जो कि है फ्लाइट, जिसके लिए म्योनिर को घुमाओ और फिर जिधर जाना है उधर कर दो। यहाँ एक फन फैक्ट बताना चाहूंगा कि हमें थॉर के फ्लाइट की स्पीड के बारे में कभी तो नहीं बताया गया, बट कॉमिक्स के अंदर म्योनिर के मदद से वो स्पीड ऑफ लाइट का डबल या ट्रिपल के स्पीड से ट्रेवल कर सकता था। अब बात करें नेक्स्ट पावर की, तो म्योनिर की मदद से वेदर मैनिपुलेशन किया जा सकता है फॉर ऑब्वियस रीजन, जिसके मदद से ट्विस्टर्स, टोर्नेडो, ब्लिजार्ड तक क्रिएट किया जा सकता है, जैसे थॉर ने यहाँ पर किया था। अब गॉड ऑफ थंडर की पावर मिली है तो लाइटनिंग शूट एंड जनरेट करने की भी पावर मिलती है, जो कि प्राइम अटैक है थॉर का, प्लस लाइटनिंग की मदद से वो किसी को भी उठाकर पटक सकता है, जैसे कि थॉर ने थॉर रैग्नारोक के इस सीन के अंदर किया था। म्योनिर के जरिए दूसरे डायमेंशन से पावर को चैनलाइज किया जा सकता है, जैसे हेमडाल ने अपने वेपन के जरिए इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर किया था, जहां वो डार्क मैजिक को चैनलाइज करता है और बायफ्रॉस्ट खोलकर हल्क को अर्थ भेज देता है। हालांकि हेमडाल ने जो वहां पर किया उससे उसके बॉडी पे बहुत ही ज्यादा टोल पड़ रहा था, इसीलिए वो सिर्फ हल्क को ही वहां से भेज पाया था। कॉमिक्स में तो थॉर ने बताया था कि म्योनिर नेदरवर्ल्ड से पावर को चैनलाइज कर सकता है। इसके अलावा म्योनिर में कुछ कॉस्मिक पावर्स भी हैं, जिसके वजह से थॉर लावा के ऊपर और अंदर घुसकर चल के निकल आया, बट उसके बॉडी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सच कहूँ तो कॉमिक्स में और भी अजीबोगरीब पावर्स देखने को मिले हैं म्योनिर के, जैसे कि टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन, इनविजिबल होना एंड इनविजिबल करना, इंटर डायमेंशनल मैसेज भेजना,
फोर्स फील्ड बनाना एसेक्ट्रा वेसेक्ट्रा, जिनमें से बहुत कम पावर्स आज के समय के कॉमिक्स में हमें देखने को मिलते हैं। मार्वल के ऑफिशियल पेज में ये मेंशन किया गया है कि म्योनिर के जरिए टाइम ट्रेवल किया जा सकता था, बट उस पावर को इमोर्टस ने म्योनिर से हटा दिया। खैर, म्योनिर से क्या क्या पावर्स मिलते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, बट इनमें से आपको कितने पता थे और कितने आज पता चले, या फिर हमसे कुछ मिस हो गया हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही वीडियोस मिस ना करें। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।